दोस्तों हमारे को ना इसको प्लस माइनस मारने का था अपने को, उसके लिए क्या है बोले तो ये अपने को ये रफ प्लास्टर है। रफ प्लास्टर क्या है बोले तो अपने को उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता, स्मूथ प्लास्टर है तो अच्छा फिनिशिंग आता। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या है बोले तो ये एक्सर ब्लेड रहता ना छोटा एक्सर ब्लेड से डिज़ाइन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है चलो, दोस्तों इस तरह फिनिशिंग लेने के बाद क्या है बोले तो अपने को देखो, ये जंबो रूलर है, ये जंबो रूलर ना पानी के अंदर भिगा लेना, ऐसा पानी के अंदर भिगा लेके, पानी के अंदर भिगा लेके इसको ऐसा कर लेना, थोड़ा पानी रहना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है बोले तो देखो, दोस्तों इस तरह फिनिशिंग कर लेने के बाद क्या है बोले तो अपने को दोस्तों, ये एक्सर ब्लेड है। ऐसा कर लेने के बाद क्या है बोले तो अपने को फिर से ये ले लेना, ये ले लेके पानी के अंदर ऐसा डुबा के ऐसा झटक लेना, ऐसा झटक लेके देखो ऐसा फिर से। ठीक है दोस्तों, ऐसी कर लेते जाना। दोस्तों इस तरह फिनिशिंग कर लेने के बाद क्या है बोले तो अपने को एक दिन सूखने के लिए टाइम देना है इसको। ठीक है दोस्तों, कल आके क्या है बोले तो लाइट बेल्ट पेपर से लाइट पेपर मार लेके इसको कलर डालने का रहता। ठीक है चलो दोस्तों, और एक बात क्या है बोले तो ये काम ना मेरे को पूरा फाइनल करने तक टाइम नहीं मिला दोस्तों। कहीं को बोले तो मेरे को दूसरा तरफ काम था, उसके लिए मैं चले गया। ये काम हमारे लोग कंप्लीट कर दिए, मैं वीडियो यहाँ तक ही शूट करा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को होम पेंटिंग वर्क्स।